दलजीत जी, इत्थे थोड़े रोपड़ दे विच नजायज़ माइनिंग चल रही है, अकाली दल दे विच भी चलती रही है, कांग्रेस सरकार रही है उहदे विच उहदे भी चल रही है, लेटेस्ट भी चलती रही है, उहदे बारे थोड़ा की कहना? हाँ जी, अकाली दल दे विच भी लगातार ही चली है। उस टाइम कांग्रेस ने अपोजिशन च सी, इन्हां ने स्टेजां तो बयानबाजियां भी करियां कि नजायज़ माइनिंग चलती है, असीं एवें मुद्दा इह अपना चक्कांगे, एवें नजायज़ माइनिंग नहीं होनी चाहीदी। अज जदों ये सरकार दे विच आउंदे आ कांग्रेस, नजायज़ माइनिंग के बारे च इन्होंने कुछ नहीं करिया, जिदे च पिछे जां असीं आरटीआई राह जिहड़ा खुलासा करिया, सारे अखबारां दे विच वी खबर लगी 632 करोड़ रुपया जिहड़ा कि रोपड़ तो सरकार ने वसूलना हैगा, तो वो वसूलिया नहीं है। सानू इस गल का बहुत शिकवा हैगा इस सरकार के नाल भी, असी ये आरटीआई पा के जो खुलासा 632 करोड़ कुछ लोगों ने ये जो देना हैगा सरकार का, क्यों नहीं सरकार वसूल रही? जेकर नजायज़ माइनिंग सरकार ये खिलाफ है तो क्यों नहीं वो पैसे वसूले गए, तो हूँ क्यों हो रही है? दूसरी एक चीज़ हो रहा है, हूँ जो आपदा पर जरा पैसा आया सी गवर्नमेंट को, जरा लोगों ने दिता सी भी कोरोना वायरस करके भी आफत आई है, वह एक सपोर्ट की सी गवर्नमेंट, वो 2 करोड़ ही खर्च होया, बाकी पैसे नहीं खर्चे हो रहे, थोड़ा की कहना? देखो, मिशन फतेह के नारे बुला के जा कुछ लोगों हाथ से फड़ के भी वो भी कराया गया, और काफ़ी कुछ छोटे छोटे आशा वर्कर या आंगनबाड़ी भी कुछ छोटी छोटिया इदा दियाँ कुछ किटा दियाँ करके बहुत कुछ सरकार ने पेश करने की कोशिश करी कि फतेह हो गया, बाकी फतेह कुछ नहीं जी होया है। चलो, जिस हद तक कोरोना जितों तक भी पंजाब सी, ये परमात्मा की रहम कितने ना कि भलाई हुई, जिन्ना सरकार को राहत फंड आया 65 करोड़, उस जो कि सामने खुल के आया कि इन्ना खर्चा गया 2 करोड़, तो बाकी जेकर रखा गया ये भी कहा गया इन्होंने वालों के हजे कि कोरोना खत्म हो गया, तो मैं कहनी हाँ भी हम लगभग तुम मार्केट या बाजार या लोगों के काम कुछ राहत दे दी खोल दते, तो कोरोना तो लगभग फिर नहीं है, ता ही तुम खोले हो ना, पर जोड़ा बाकी पैसा है ये पैसा ज लोगों से ला दिता जाता, काम करने वाले फ्रंटलाइन पर काम करने वाले कोई मास्क सैनीटाइजर तक नहीं मिले, और दूजी गल जे लोग अज दुकानदारी बंद होगी, छोटे बिजनेस या रेहड़ी रक्षा कोई भी टैक्सी ड्राइवर तक किसी नूं भी कोई राहत नहीं, जेकर सरकार चाहती इन्ना पैसा होंदे होए क्या जेड़े लोग मिडल क्लास खजाना भरन दे विच मिडल क्लास का पूरा योगदान है, देखो जेकर उन्होंने तुसी 3 महीने रोटी ना दे सके या कोई किसी का बिल नहीं मिडल क्लास का भर सके, और उन्होंने बच्चों के तुसी फीसा नहीं भर सके, तो जे उ मिडल क्लास खजाना भर दी उन्होंने भी कोई राहत नहीं दिती, तो सरकार तो सानू उम्मीद क्या है? होर मतलब सरकार असी इस करके बनाई सी कि सानू साढ़े लिए नीतियां बनावे तो साढ़े लिए काम करे, तो असी जिहड़ा खजाना भर रहे हैं लोग तो वो साढ़े लिए कुछ ना कुछ करते रहन, तो कारण सो ये बारे सरकार बिल्कुल फेल हुई। एक होर सवाल है, अजकल निजी स्कूलों ने फीस वास्ते बहुत एक पेरेंट्स और निजी स्कूलों का आपस के झगड़ा चल रहा है, वह बारे थोड़ा की कहना है? देखो, निजी स्कूलों के जोड़े होंगे जोड़े फंड है बिल्कुल वो सरकार इनका पूरा योगदान है निजी स्कूलों को चलाने लिए, सब तो पहले तो यही गल हैगी है भी पंजाब दे बेचे निजी स्कूलों इन्ना बढ़ावा ही सरकार ने दिता, जेकर सरकार इन निजी स्कूलों बढ़ावा दे रही है तो ठीक है, सरकारी जड़िया संस्थावान ये हस्पताल या स्कूल फेल कर रही है, ये जो निकल के आता है कि कोई ना नौकरियां ना ही सानू कोई फ्री इलाज ना सिक्ख्या वो साफ हो रहा, पर जेकर तुसी निजी स्कूलों को बढ़ावा देंगे तो जो कोई इदा की आफत आ जाती फिर तुसी अपने समाज में भी तो सरकार का एक फर्ज होंगे खड़न ना, फिर ये सरकार उन्होंने लोगों को राहत के बदले जेकर निजी स्कूलों का जो होंगे है सारा हिसाब किताब लेंगे, जोड़ा स्कूल घाटे चा उत्थे वो सरकार भुगत लेंगी, उन्होंने राहत कोई उस स्कूल में दिती जाती ना कि लोगों के अंदर बैठा के गल घुटे जाने भी उन्होंने अज 5,000 बिल आ गया जी, उन्होंने 5-7,000 फीस आ गई आ। दूजी गल ये एक सवाल कुछ लोग कर देंगे है जो कि मतलब कि जिमें निजी स्कूलों के कौन कहता सानू लाने बच्चे, ये देखो निजी स्कूलों के कमेंटा च भी लोग मतलब सारे लोगों की आवाज़ भी असं सरकारी पढ़ाईए, तो मैं ये सारे पंजाब वासियों को दसना चाहनी है कि सरकारी स्कूलों का इन्ना मंदा हाल है कि सानू ये नहीं पता होंगे भी छत गिर कद जानी है, ये चीज़ा असं दिखा सकते हैं थानू जेकर किसी को यह होवे कि सरकारी स्कूल बहुत वधिया ने, तो मैनू दस दौ, असी सारे कितने दियाँ फोटो
ਖਾਸ ਖਾਸਕਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾ ਦੂੰਗੀ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਲਤ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ 'ਚ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਨਿਕਲਣਾ ਜਾਂ ਸਕੂਲ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਆ ਰਿਜ਼ਲਟ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇਖ ਕੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪਾਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਲਈ ਕੀ ਸਟੈਂਡ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਐਸੀ ਜਿਹੜੇ ਨੀਲੇ ਕਾਰਡਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰੇ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੀ ਰਹੂੰਗੀ। ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਆਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਮ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਆਮ ਲੋਕ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਆ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ, ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਮਝਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕੀ ਨੇ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋਣੀਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ।